आज हम बात करेंगे थंबनेल के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप अपने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो जाहिर सी बात है उस चैनल में और उस वीडियो में थंबनेल होना ज़रूरी ही है, क्योंकि जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके अंदर क्या है क्या नहीं उसी का सीधा सीधा असर आपके थंबनेल में दिखाई देता है कि आप क्या लोगों को समझाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको देखते ही आपके वीडियो को ज़रूर देखें। जब हम थंबनेल को लगाते हैं तो उसी के आधार पर हमको अधिक से अधिक व्यू आते हैं, उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे व्यू अधिक होंगे या कम होंगे। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा थंबनेल लगाना ज़रूरी है। तो चलो फ्रेंड्स, आप इसी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलो फ्रेंड्स, पिक्सल लैब को करते हैं ओपन, जहां आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। फ्रेंड्स, आप थ्री डॉट पर क्लिक करें और इमेज साइज को सिलेक्ट करें, कस्टमाइज जाके यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर ले। फ्रेंड्स, इसके बाद हम प्लस के निशान पर जाएंगे और अपनी गैलरी से एक PNG ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं लास्ट में देख लीजिएगा PNG में कैसे बना, तो मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और उससे सेलेक्ट करने के बाद एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे लगा दूंगा। फ्रेंड्स, एडजस्ट लगाने के बाद आप इसमें अपने चारों ओर एक कलर का बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जो आप स्टॉक के ऑप्शन को दबा के लगा लें। मैंने यहाँ पे लगाया तो बहुत सारे कलर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें। और फिर चलो फ्रेंड्स, हम कुछ टेक्स्ट डालते हैं। अब टेक्स में थंबनेल में छोटी आप जिस टॉपिक पे बना रहे हो थंबनेल उस टॉपिक के बारे में कुछ लिखना होता है कम शब्दों में। तो मैं अपने यूट्यूब अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं थंबनेल का वीडियो है, तो मैं Mac HD थंबनेल लिख रहा हूँ, तो आप देख सके। चलो फ्रेंड्स, इसके अब टेक्स्ट का साइज और देख लें शब्द, आप देख सके इतने डिज़ाइन है, उसमें से कोई सी भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं फ्रेंड्स इसमें। अब हम इसमें स्ट्रोक से आउटलाइन बॉर्डर बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप मैंने यहाँ पे ब्लैक कर रखा है, तो फ्रेंड्स आप अपने मन चाहे कलर को ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद शेडो, फ्रेंड्स शेडो भी आप लगाएं ताकि आपका जो भी लिख रहे हो उसको एट्रैक्टिव लगे और अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसलिए आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो। कोई जो इनर शेडो है उसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो। नीचे जाने के बाद आप देख लिए फ्रेंड्स, इसमें आप कलर भी अलग अलग कर सकते हो। मैंने अपना शब्द का कलर रेड कर लिया है। और एकदम नीचे जाएंगे फ्रेंड्स और देखें, एक बार इसके आप एडजस्ट करने के बाद थ्री लाइन से अपने शब्द के अक्षरों को दूर दूर भी कर सकते हैं। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल गया टी नाम से, जिसको आप अपने जो भी लिखा है उसकी एक परछाई बन जाएगी मिरर साइज में। आगे की प्रोसेसर सेम है, तो आप ध्यान से देखिए कैसे मैं अपने थंबनेल को बना रहा हूँ। लिए फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए सिंपल सा थंबनेल बनाया, आप चाहो तो इसको और भी अच्छा थंबनेल बना सकते हो, तो आप एक बार ज़रूर पिक्सल लैब का यूज़ करें और अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाएं। फ्रेंड्स, आप नीचे वाले इस लेयर वाले ऑप्शन से अपने बैक
थंबल के बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिसको आप चाहे वो आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने गैलरी से किसी और फोटो को भी लगाना चाहते हो तो वो भी आप इस ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स में कैसे, इसमें देखिए फ्रेंड्स बहुत सारी इमेजेज है जो पिक्सल लैब में मिल जाएगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गैलरी से कुछ अलग डालना चाहें अपने थंबल के बैकग्राउंड को, तो आप वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिलहाल तो मैं इसी में से एक फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूं और उसको लगा देता हूं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें कई 3D इफेक्ट भी मिल जाएंगे जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, आप इस शेयर वाले बटन से आप अपने थंबल को गैलरी में सेव भी कर सकते हैं, आप इसे सेव कर लें एक बार। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको PNG कैसे बनाता हूँ। पिक्सल आर्ट में आप जाएंगे और उसमें से आप अपने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लें जो आपको PNG बनानी है फ्रेंड्स। तो चलो इसको PNG बनाने के लिए फ़ोटो सिलेक्ट कर ली और उसको अब हम पिक्सल लैब में जाएंगे और कटर के अंदर ले जाएंगे, जो आपको दिख रही है कैंची नीचे, उसमें क्लिक करें। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ पर्सन वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपका PNG तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको मैन्युअली अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप ब्रश और इरेजर से उसे सही करना है। बता दो फ्रेंड्स, आपका जो रेड एरिया है वो आपका PNG तैयार हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी दिख रही है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक करें और अपने PNG को सेव कर लें अपनी गैलरी। और पिक्सल लैब में आप थंबल बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको वीडियो फ्रेंड्स? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही कमेंट भी कर दें फ्रेंड्स।